व्यवस्था के चौखट पर आस्था इस कार्यक्रम में आज एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी मौजूद थे, जिन्होंने कई सारे लोगों को संबोधित किया और कई सारे फैक्ट्स और मुद्दों के बारे में बात की। लेकिन विष्णु जी हमारे साथ फिलहाल यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ASI द्वारा कल जो रिपोर्ट जारी की जाने वाली है ज्ञानवापी मामले को लेकर, तो क्या लगता है क्या आएगा रिपोर्ट में इस बारे में? देखिये, मुझे लगता है रिपोर्ट में वही आएगा जो ज्ञानवापी का सच है। रिपोर्ट में वही आएगा जो वहाँ की पश्चिमी दीवार चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। रिपोर्ट में वही आएगा कि जो व्यास जी के तहखाने में चीज़ें मिली हैं जो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में आएंगी। रिपोर्ट में वो आएगा जो एजाज भाई के तहखाने में चीज़ें मिली हैं। रिपोर्ट में वो आएगा कि जो इन तीन गुम्बद के नीचे चीज़ें मिली हैं, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में आएंगी। और जो सच है वो सच को कोई आदमी छुपा नहीं सकता है। आप भले ही हमें रोक दो कि आज आप इस बारे में मत बात करिए, पर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो देश में सिर्फ एक समाज के लोगों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। और कल जब रिपोर्ट दाखिल होगी तो उसके बारे में हम बोलेंगे और लोगों को अवेयर कराएंगे कि ASI ने किस तर्कों और फैक्ट्स के आधार पे ये रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। जी, तो क्या इस रिपोर्ट के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो फैसला आएगा हमारे पक्ष में आएगा, जिस तरीके से लड़ाई जो है पिछले कई सालों से लगातार चल रही है? जैसे राम मंदिर केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट एक मील का पत्थर बनी थी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि ASI की रिपोर्ट राम मंदिर के केस से भी बेहतर और ज़्यादा रिसर्च वर्क और ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स के आधार पे ये रिपोर्ट आने जा रही है और वो ज्ञानवापी के केस में एक मील का पत्थर बनेगी। ऐसी रिपोर्ट मुझे लगता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाइल करेगी, क्योंकि इसमें कोई बायसनेस नहीं है। जो वहाँ के फैक्ट्स हैं सिर्फ वही फैक्ट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोर्ट में रखने जा रही है। बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स मिले वो सारी बातें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोर्ट में रखेगी। जी, राम मंदिर की बात कही आपने और आखिरकार राम मंदिर का जो है अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी को, ये जो पूरी जर्नी रही है इस बार में आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार वो दिन आ चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है। कोठारी बंधु हैं, माननीय अशोक सिंगल साहब हैं, चंपत राय हैं, मेरे बाबूजी हरिशंकर जैन साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ समय के अभाव की वजह से, पर बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया सिर्फ इसलिए कि वो दिन दे सकें कि जो बाबर ने 1528 में अपनी तलवार के दम पे किया था, ये सनातन समाज, ये पूरी सिविलाइजेशन ये बता सके कि हम उसको रेस्टोर करने का काम कर सकते हैं लीगल माध्यम से। तो वो दिन हम देखने जा रहे हैं जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रभु श्री राम अपने उस मूल स्थान पे विराजमान होंगे। मैंने वो दंश देखा है, वो दंश झेला है जब हमारे आराध्य को हम टेंट के नीचे उनकी पूजा करते थे, और आज वो दिन आने वाला है जब हमारे आराध्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। तो मुझे लगता है ये सारे सनातनियों के लिए एक बहुत गौरव का क्षण होने वाला है जब हम लोग अपने आराध्य को मूल स्थान पे विराजमान होते हुए देखेंगे। जैसे कि आप बता रहे थे कि केवल एक मंदिर नहीं, ये तो केवल एग्जांपल है राम मंदिर का कि हमने वहाँ पे हमारे भगवान को विराजमान वो होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे कई हजारों मंदिर हैं, तो उससे पाने के लिए, वहाँ पर जीत पाने के लिए और जिस तरीके से देवता का वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑलरेडी है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व नहीं समाप्त होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में भी होल्ड किया है। तो जहां जहां मंदिर तोड़ा गया है वहां रेस्टोरेशन की लड़ाई हमारी चल रही है। ऐसे भोशाला की लड़ाई चल रही है, ताजमहल की चल रही है, कुतुब मीनार की चल रही है, टीले वाली मस्जिद की चल रही है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की चल रही है, काशी विश्वनाथ की चल रही है, अभी आगे जौनपुर में अटाला मस्जिद है उसकी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। ऐसे और 12 नए केसेस हैं जो हम फाइल करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हमारे मंदिर तोड़े गए हैं उन सनातन समाज के लोगों को उस जगह को वहाँ पे मंदिर वापस पुनर्स्थापित करने के लिए जो लीगल लड़ाई है वो लीगल लड़ाई का संकल्प हमने लिया है और वो हम फाइल करते रहेंगे केसेस। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, आज आपने दो जो मेजर एक्ट्स हैं, प्लेसेस टू वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपका ये बयान है कि उसकी प्रॉपर्टी बेहद ज़्यादा है वक्फ एक्ट की और वो पहले नंबर पे आता है, तो इसे चल के आपने कहीं ना कहीं अवेयरनेस शुरू की है, मुंबई करों के बीच आपने शुरुआत की है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या पिटिशंस फाइल की गई है, क्या अवेयरनेस आप देना चाहेंगे? देखिए, वक्फ एक्ट 1995 को लेके हमने अलग अलग हाईकोर्ट्स में पिटिशन फाइल की, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, चंडीगढ़ में, कर्नाटका में, गुजरात में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग हाईकोर्ट्स में पिटिशन फाइल की गई है। इस समय करीब 200 पिटिशन वक्फ को लेके अलग अलग देश के अलग अलग न्यायालयों में फाइल हो चुकी है वक्फ एक्ट 1995 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए। और मैं यही अवेयरनेस लाना चाहता हूँ कि जो आंकड़े हैं कि वक्फ जो है फर्स्ट हाईएस्ट ओनर ऑफ लैंड है, वो इस आधार पे है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में कहा था कि डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ
हाफ इज़ दी हाईएस्ट लैंड ओनर इन दी कंट्री, और इस समय तो हम 2023 में उसके भी 15 साल बीत चुके हैं। कल मेरे पास फ़ोन आया था का महाराष्ट्र से, जहाँ पे कानिफनाथ मंदिर की 40 एकड़ की ज़मीन को वफ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वफ की संपत्ति का अगर आज आकलन किया जाएगा तो वफ विल बी दी हाईएस्ट ओनर ऑफ द लैंड इन दी कंट्री, और ये सारी ज़मीन सिर्फ गलत तरीके से कब्जा करके, एनक्रोचमेंट करके, गलत तरीके से घोषित करके ये संपत्ति अर्जित की गई है, और उसका सबसे बड़ा मूल कारण है असीमित अधिकार और शक्तियां जो वफ एक्ट 1995 में वफ बोर्ड को दिए गए। अभी हमने देखा है कि पार्लियामेंट में ऑनरेबल मेंबर ने इसके ऊपर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस काले कानून को पार्लियामेंट जल्द से जल्द समाप्त करे, और पार्लियामेंट नहीं समाप्त करती तो कोर्ट के माध्यम से ये लड़ाई लड़ने का काम हम कर रहे हैं जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि राम मंदिर के वक्त जिस तरीके से पूरा हिंदू समाज एक साथ आ गया था, तो अन्य जो मंदिर हैं और जो वक्फ बोर्ड एक्ट का जो आप बात कर रहे हैं उसमें क्या हम सबकी एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है कि एकजुटता है हम सबकी, और अक्रॉस दी बोर्ड मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ज्ञानव्यापी के केस में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में, और जितनी सिविलाइजेशनल बैटल चल रही है, चाहे वफ एक्ट हो चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, अक्रॉस दी बोर्ड सनातन समाज का सपोर्ट हमें मिल रहा है, और ये सारी लड़ाई हम लोग जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर आज एक कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में जो कई अन्य मुद्दे हैं उस पर गौर किया गया, और इस बीच कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है जारी करने जा रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस रिपोर्ट में ये जानकारी मिलेगी, बहुत सारे ऐसे तथ्य जो है सामने आएंगे, और उसके बाद देखना होगा कि ज्ञानवापी मामला जो है वो आगे किस तरह से बढ़ता है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई। We'll be right back.